तो गाइस ये दो कलर में आप देख सकते हैं, स्काई ब्लू इसका बेस है, इसका बटन भी स्काई ब्लू है, और उसके बाद गाइस इसमें बजाज का हेलमेट में कुछ मान लीजिए आ गया डस्ट आ गया, तो इससे उसको इजी वे में रिमूव। नमस्कार दोस्तों, मैं हरी आप सभी का हरी भारत टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिक्सर ग्राइंडर उषा का और बजाज का, तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, इसके क्वालिटी के बारे में बताएंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। गाइस ये हमारा उषा का स्पीड मास्टर मिक्सर ग्राइंडर है 500 वाट में, तो सर्वप्रथम इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, इसके क्वालिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा बजाज का निंजा मिक्सर ग्राइंडर है 500 वाट में, इसका रिव्यू करेंगे, इसके क्वालिटी के बारे में बताएंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका प्राइस क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलते हैं सर्वप्रथम उषा का मिक्सर ग्राइंडिंग का अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। इसका अभी पैकिंग ओपन करते हैं, देखिए अभी हम ये पैकिंग रिमूव करने जा रहे हैं, तो मैं पैकिंग रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर जो है हमारा ये देख सकते हैं इस प्रकार से इसका पैकिंग रहता है, इसी के अंदर इसका तीन जार है, अभी हम इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल्स में, तो इसको अभी रखते हैं गाइस साइड। उसके बाद ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका पैकिंग है, तो अभी हम इसको निकाल रहे हैं बॉक्स से बाहर। ऊपर ये लगाया गया था सेफ्टी पर्पज के लिए, तो इसको करता हूँ अभी साइड, इसको भी साइड कर दिए गाइस। उसके बाद ये इसका जो पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन को अभी हम रिमूव करते हैं इसके अंदर से, तो अभी ये हमारा पॉलीथीन से निकलने वाला है मिक्सर ग्राइंडर उषा का। देखिए ये हमारा जो है मिक्सर ग्राइंडर उषा का है, आप ये देख सकते हैं मैनुअल है, और मैनुअल के अंदर ही आपका इसका वारंटी कार्ड है, इसका जो है 5 साल के वारंटी में है, तो इसका ये लुक है आप देख सकते हैं, और दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद इसके बॉटम से हम चालू करते हैं, इसमें देख सकते हैं ये TPE का जो है इसमें ये बेस दिया हुआ है, इसी बेस के ऊपर जो है ये टिका रहेगा, इसको प्लेन सरफेस पे यूज करना है, ये चलेगा तो इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। तो अभी हम इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। जो बॉडी है ये ABS का बॉडी, ABS मतलब होता है गाइज एक्राइलिक ब्यूटाडाइन स्ट्रीन। ABS का जो सबसे अच्छा क्वालिटी होता है वो बहुत टफनेस होता है, इसमें जो है शॉक प्रूफ रहता है, इसलिए ABS बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं लगभग बनाए जाते हैं। गाइस ये व्हाइट कलर और प्लस स्काई ब्लू है, आप ये इसका जो है बटन है जीरो पे है, उसके बाद एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप में ये वर्क करेगा और इस प्रकार से ये बंद हो जाएगा। इसका जो मोटर है गाइस ये 100% कॉपर का मोटर है, 5 साल के वारंटी में आएगा। नायलॉन का गियर है, इसी के ऊपर आप सरजार फिट होगा, और इसमें गाइस जो सबसे अच्छा चीज दिया है आप देख सकते हैं इसका जो ये कट वाला एरिया है, ये होल वाला जो एरिया है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलने वाला है आपको कि इसमें मान लीजिए किसी कारणवश से आपका जार में लीकेज आ गया, अगर जार में लीकेज है इसके अंदर पानी गिर जाता है, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे तो सारा इसमें से जो मटेरियल रहेगा वो आपका बाहर गिर जाएगा। कुछ चटनी बना रहे हैं अगर इसके अंदर गिर, किसी भी वजह से इसके अंदर गिर गया तो आपका इसको साफ करेंगे तो EGB में इधर से निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या हो रहा था इसको इस प्रकार से ऐसे करना पड़ता था, तो अभी वो वाला आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो आपका जार फिट करने के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ ग्रिप बनाया गया है, इसके वजह से क्या होगा जार आपका मूवमेंट नहीं करेगा और आपको जो है जार के ऊपर अपना हाथ प्रेस करके नहीं रखना पड़ेगा। तो गाइज ये हमारा ABS बॉडी में है, साथ में देख सकते हैं गाइज इसका जो तार है ये वायर जो है ये 1.5 मीटर का हैवी वायर है, इसमें 6 एम्पियर का हैवी पिन दिया गया है। आपको अभी एक चीज़ और दिखाते हैं, इसका ओवर प्रोटेक्शन जो है ये साइड में दिया है, बहुत से मिक्सर ग्राइंडर में आप देखते होंगे ये नीचे दिया रहता है, उसके वजह से क्या होता है कि आदमी को जब नहीं मालूम रहता है तो उसको दबाने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है, इसलिए इसको साइड में दिया रहता है, ओवर लोड हो जाता है, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपको 2-3 मिनट रुकना है और वापस इसको आप प्रेस कर देंगे, उसके बाद ये वापस चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरा एयर वैक्यूम के लिए दिया है, इसमें एयर वैक्यूम माने जब हीट एयर हो जाता है उसको बाहर निकालने, आप देख सकते हैं दोनों साइड से जो कॉपर का मोटर है उसको कूल रखने के लिए एयर वेंट प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये जो होल है उसकी वजह से क्या होगा जो इसका मोटर है वो जल्दी हीट नहीं होगा, जल्दी हीट नहीं होगा तो क्या होगा इसका लाइफ बहुत लॉन्ग रहेगा, अच्छा लाइफ रहेगा और ये ज़्यादा दिन चलता है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है। स्पीड मास्टर उषा का जार है, तो इसको अभी हम रिमूव करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका पैकिंग ओपन हो गया गाइस, ओपन होने के बाद देख सकते हैं इसमें जो है
ये छोटा वाला चटनी जार है जो 400 ml का है और इसका जो है स्टेनलेस स्टील का है, मतलब इसके अंदर जंग नहीं लगेगा। इसका बेस भी बहुत मजबूत है, ये 400 ml में है। उसके बाद गाइज ये भी आपका 800 ml में है, 1.2 liter का जार है और इसका जो ग्रिप है ये देख सकते हैं बहुत हैवी ग्रिप दिया हुआ है, आप इसको इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत है, स्टेनलेस स्टील का है, मतलब जंग इसमें नहीं लगने वाला। ये 3 जार था। उसके बाद गाइज देख सकते हैं इसमें इस प्रकार का इसका पीपी का कवर दिया हुआ है। तो गाइज ये हमारा बजाज का निंजा मिक्सर ग्राइंडर है जो 2 साल के वारंटी में आता है। अब इसका हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, अभी मतलब डिटेल्स हम बताएंगे आपको। तो इसमें देख सकते हैं बजाज का जो है मिक्सर ग्राइंडर निंजा है, ये आपका इसका जार है। तो इसको अभी रखते हैं साइड गाइज, और ये जो हमारा पैकिंग है बहुत अच्छे पैकिंग में दिया हुआ है। हमारा निकल गया मिक्सर ग्राइंडर, बजाज का निंजा मिक्सर ग्राइंडर है। कितना अच्छा इसका लुक है, इसका भी मॉडल लगभग जो है आप देख सकते हैं उषा स्पीड मास्टर की ही तरह है। और गाइज अभी हम इसको पॉलीथीन से करने वाले हैं ओपन, हम पॉलीथीन से बजाज मिक्सर ग्राइंडर को कर रहे हैं ओपन। तो अभी पॉलीथीन को कर रहे हैं साइड गाइज। ये हमारा देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मिक्सर ग्राइंडर है, बजाज का निंजा 500 वाट में। तो गाइज अभी इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ये आपका वारंटी कार्ड है, ये 2 साल के वारंटी में आता है। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो गया तो आप जो है ऑनलाइन कस्टमर केयर पे फोन करेंगे, कस्टमर केयर के द्वारा सर्विस इंजीनियर आपके घर पे आएगा और इसको सही करके जाएगा। वैसे इसमें दिक्कत आता नहीं है। गाइस इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी जो ये 4 बेस लगे हुए हैं इसी के ऊपर ये टिका रहता है। और गाइस इसमें जो ये आप होल देख रहे हैं ये एयर वेंट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है बजाज में। और बजाज का जो आप ये देख रहे हैं ओवरलोड कटआउट जो है ये अंदर में दिया हुआ है, और उषा का जो है ये बाहर में था। तो बजाज में अंदर में दिया हुआ है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है। क्या होता है अगर इसमें ओवरलोड हो गया, टार्क अधिक जनरेट होता है तो ये बाहर की पोजीशन में आ जाता है। तो आपको 2-3 मिनट रुकने के बाद इसको क्या कर देना है, अंदर कर देना, वापस चालू हो जाएगा। ये आपका बेस के बारे में हमने बताया, अब चलते हैं जो है इसके ऊपर। तो ये इसका आपका बटन है, ये जो ऊपर देख रख रहे हैं इस ये जो हल्का सा उठा है ये आपको मार्क करता है कि आपका जो है मिक्सर किस पॉइंट पे चल रहा है। ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन पे है, ये मतलब 3rd पे आपका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा। और गाइज आप देख सकते हैं ये अभी 0 पे आ गया। तो गाइज ये 2 कलर में है, आप देख सकते हैं, एक स्काई ब्लू इसका बेस है, इसका बटन भी स्काई ब्लू है। और उसके बाद गाइज इसमें बजाज का होलो मार्क है। ये जार का बेस है, इसके ऊपर जार रहेगा, ये नायलान का आता है। इसके ऊपर अंदर जो नट लगा है उसमें कुशन दिया गया है। और इसमें भी आपका अभी जितने भी मिक्सर ग्राइंडर हर कंपनियों का रहे हैं उसमें इस प्रकार से कट दिया जा रहा है कि अगर इसमें कुछ लीकेज हो रहा है तो इसी के रास्ते इजी वे में बाहर कर दें। उषा में 2 साइड में था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये आपका फ्रंट साइड में ही है। मोटर में हीट जनरेट होता है तो इसके द्वारा जो चलते चलते हीट होता है उसको बाहर करते हैं, ये एयर वेंट क्लियर करने के लिए होता है। गाइस 1.5 मीटर का ये वायर है, ये 2 पिन में दिया गया है और उसमें 3 पिन में था, उषा में 2 पिन में हूं था जो ये कर रहे हैं रुका। तो गाइज ये हमारा जो टोटल है ये ABS बॉडी में है, ये आपका जो है गाइज देख सकते हैं 1.5 मीटर में इसका वायर है, ये हैवी 2 पिन दिया हुआ है, इसी में आपको प्लग करना है। कोशिश करिएगा इसको पावर बोर्ड में चलाने के लिए। तो गाइज ये डिटेल्स था आपका बजाज मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, निंजा के बारे में। ये 500 वाट में है, 2 ईयर के वारंटी में आता है। लास्ट में दोनों का हम प्राइस बताएंगे। ये हमारा बजाज का जार इसी में है, इसमें जो है 3 जार दिया हुआ है, तो अभी हम उसको भी दिखा देते हैं आपको। तो ये हमारा अनबॉक्सिंग हो गया। अनबॉक्सिंग होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से ये हमारा 3 खूबसूरत जार निकल गया, और जो है ये 3 इसमें जो है इसका कैप है, ये पीपी का कैप दिया हुआ है। गाइस ये 400 ml का जो है चटनी जार है, इसका जो ब्लेड है बहुत ही हैवी ब्लेड है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी में इसका ब्लेड दिया हुआ है। उसके बाद गाइज ये आपका जो है 0.8 ml का है, ये भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और सबसे अच्छा है, इस बहुत ही मजबूत दिया गया है। उसके बाद गाइज देख सकते हैं ये आपका 1.2 liter में जार है, इसका ये हैंडल दिया है, ये जार बहुत ही अच्छा है। तो गाइज हमने आपको जो है उषा का और बजाज के मिक्सर
ग्राइंडर के बारे में बताया। और गाइज इसका जो प्राइस है, उषा का जो प्राइस है, मार्केट में आपको 2200 से 2300 के बीच में इजी वे में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और जो बजाज का निंजा मिक्सर ग्राइंडर है गाइज, ये भी आपको 2300 रुपये में इजी वे में ऑनलाइन और किसी शॉप पर भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। दोनों जो मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है, अंडर 2500 के अंदर दोनों आ जाएंगे आपका, आप किसी को भी परचेज कर सकते हैं गाइज। अगर गाइज आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बनता है, तो गाइज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। तो गाइस जो उषा का स्पीड मास्टर मिक्सर ग्राइंडर है, उसका जो आरपीएम है गाइस वो 20,000 आरपीएम है। यानी जो आपका जो छत वाला पंखा होता है उषा का, वो आपका 350 आरपीएम मैक्सिमम 450 आरपीएम, और जो जनरल होता है जो छत वाला पंखा यानी सीलिंग फैन होता है वो 400 आरपीएम का है। लेकिन स्पीड मास्टर मिक्सर ग्राइंडर का जो आरपीएम है वो 20,000, हाई स्पीड मास्टर मिक्सर ग्राइंडर का आरपीएम है वो 20,000 आरपीएम है। मतलब आपका चटनी, आपका मसाला चुटकियों में पीस के कर देगा साइड। इसीलिए जो है ये हमको बहुत ही अच्छा लगा।